गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? फाइन, अच्छे हैं आप लोग? बेटा हमने मैं और मेरा व्याकरण है ना, इस बुक का चैप्टर 7 वचन, इसका भाग 1 और 2 बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और उसको समझ भी लिया है। अब आज जो है अपन इसका भाग 3 जो बुक एक्सरसाइज है उसको करेंगे और समझेंगे, है ना। तो बेटा अपन ने भाग 1 और 2 में पढ़ा कि वचन किसे कहते हैं, है ना। वचन के बारे में आप क्या जानते हैं, वचन की परिभाषा क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी। वचन संख्या के एक या एक से अधिक होने का बोध करवाते हैं, है ना। इंग्लिश में हम इनको नंबर्स कहते हैं, सिंगुलर प्लूरल। हिंदी में भी वचन दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक संख्या को बताने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं और एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं, माने प्लूरल, ठीक है। अब कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं और कुछ संज्ञा शब्द एक वचन तथा बहुवचन में एक समान, एक जैसे प्रयोग किए जाते हैं। वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है, जैसे लड़का जा रहा है, लड़के जा रहे हैं, है ना। और आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर हमें बहुवचन का प्रयोग करना पड़ता है। तो जैसे आकाश में तारे एक वचन में है या बहुवचन में? तारे बहुवचन में है ना। डाल पर चिड़िया बैठी है, वाक्य में डाल और चिड़िया एक वचन है या बहुवचन? एक वचन है ना। डाल भी एक है, चिड़िया भी एक है, चिड़िया नहीं है, चिड़िया। अब क्या जनता शब्द का वचन बदलेगा? नहीं, जनता शब्द का वचन कभी नहीं बदलता है। अब बेटा पेज नंबर 48 पर आप आ जाइए और पेंसिल से पॉइंट आउट करेंगे जहां हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए अब लिखें। अब बुक एक्सरसाइज की बारी है। नंबर 1, उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। का है, शहीद दिवस पर मेरी आंखों में आ गए, क्या आ गए? आंसू, शहीदों को याद करके। ख है, प्रार्थना पत्र पर अपने हस्ताक्षर ठीक से करो। तो यहाँ हमने हस्ताक्षर शब्द लिखा है। और सामने शेर देखकर मेरे प्राण ही निकल गए, यहाँ देख रहे ना आप वचन, प्राण में भी बहुवचन आ रहा है। और उसके बाद सबने मंदिर में भगवान के दर्शन किए, दर्शन में भी एक जैसा शब्द आएगा, एक दर्शन है तो अनेक दर्शन है। तो दरवाजे पर ताला लगा है, सड़क पर लड़की दौड़ रही है। तो हमको ये समझ में आ रहा है ना, ताला, लड़की, ये एक वचन में है और आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, ये बहुवचन में, ठीक है। अब नंबर 2 है बेटा, शब्द पढ़िए तथा उसका वचन पढ़कर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है बूंद, बूंद एक वचन है, सही है ना, तो हमने उसको राइट कर दिया। और नंबर 3, तिनका, तिनका एक वचन है, हमने उसको राइट कर दिया। सॉरी, सेकंड है बगीचे, बगीचे एक वचन है क्या? नहीं है ना, हमने इसको क्रॉस कर दिया। नंबर 3 पर तिनका, तिनका एक वचन है, हमने उसको राइट किया है। अब नंबर 4 पर है बेटा कथाएं, कथाएं एक वचन है क्या? नहीं, हमने इसको क्रॉस किया है। और नंबर 5 पर है चिट्ठी, चिट्ठी एक वचन है, सही बात है, हमने इसको राइट किया है। उसके बाद भेड़ें, भेड़ें बहुवचन है, इसको भी हमने सही किया है। और नंबर 7 पर है पैसे, पैसे बहुवचन शब्द है, सही है, हमने इसको राइट किया है। नंबर 8, कुर्सी, कुर्सी बहुवचन है, नहीं, कुर्सियाँ होता है बहुवचन, तो हमने इसको रॉन्ग किया है, क्रॉस किया है बेटा। अब नंबर 9, पत्ता बहुवचन है, नहीं, हमने क्रॉस किया है। नंबर 10, भाषाएं एक वचन है, नहीं, क्रॉस किया है, ठीक है। अब इसके बाद है बेटा नंबर 3, नंबर 3 पर हम देखेंगे निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए, इन सेंटेंस को वापस लिखना है उसका वचन बदलकर, ठीक है। क है, पेड़ से लता लिपटी हुई है,
तो पेड़ से लताएं लिपटी हुई हैं। ख है हाथी गन्ना खा रहा है, हाथी गन्ने खा रहा है। एक वचन का हमने बहुवचन बना दिया। और उसके बाद ग है बच्चों को कहानियां पसंद आई, बच्चों को कहानी पसंद आई, कहानियां का एक वचन कहानी। और घ है हलवाई मिठाई बना रहा है, तो मिठाई का बहुवचन मिठाइयां, छोटा ही आ जाएगा या के ऊपर चंद्र बिंदु, हलवाई मिठाइयां बना रहा है। अंग है तुम्हें कितनी भाषाएं आती हैं, ये भाषाएं बहुवचन है, इसका एक वचन भाषा, तुम्हें कौन सी भाषा आती है। राइट, ये अपना कंप्लीट हो गया बेटा। अब हम आएंगे पेज नंबर 49 पर। पेज नंबर 49 निकालिए बेटा। पेज नंबर 49 पर सबसे ऊपर है ये चीज़, वचन बदलिए, है ना। तो का है साइकिल, साइकिल का वचन बदल के हमने क्या किया, साइकिलें। रुपया, रुपये का बहुवचन रुपया। और रातें का एक वचन रात। चिट्ठियां का एक वचन चिट्ठी। और परीक्षाएं का एक वचन परीक्षा। और बातें का, इसमें बेटा इसमें परीक्षाएं भी होंगी ना, तो छोटी की मात्रा नहीं लगेगी, इसमें हमेशा बड़ी की ही लगती है, कई जगह अपवाद होते हैं ना, वो चीज़ इसमें है। अब इसके बाद बातें का एक वचन बात। और वधुएं का एक वचन वधु, तो वधुएं में छोटे ऊ की मात्रा है और वधु में बड़े ऊ की मात्रा है। और ज है छात्रा, छात्रा का बहुवचन छात्राएं। आ में आ के बाद हमने ए और चंद्रबिंदु लगाया, ठीक है। अब जरा सोचिए, व्याकरण में वचन शब्द संख्या बताता है, सोचिए और बताइए कि वचन का शाब्दिक अर्थ क्या है। वचन मैंने बोलना है ना, हम किस तरीके से बोलते हैं, हमारी बोली वचन, एक संख्या एक है या दो है वो हमारा वचन बताता है। एक से अधिक फूलों, गायों, लड़कियों व लोगों के समूह के लिए कौन से शब्द प्रयोग आते हैं। फूलों के लिए गुच्छा, गुलदस्ता, है ना, गायों का झुंड, लड़कियों का समूह, लोगों का भी समूह और दल, ठीक है। अब है बेटा करके देखिए, नीचे देखिए, ये जो कलरफुल बॉक्सेस है ना, इसमें देखिए आप शब्द जाल में लिखे शब्दों में से एक वचन वाले शब्द खोजिए। एक वचन वाले को अपने को अंडरलाइन करना है। कौए बहुवचन, कुर्सी एक वचन, इसको अंडरलाइन कर दिया हमने। भाषा एक वचन, इसको अंडरलाइन कर दिया। बूंद एक वचन, इसको भी अंडरलाइन कर दिया। अब है चूहा, चूहा भी एक वचन है, इसको हमने अंडरलाइन किया है। अब यहाँ बेटा रुपया, रुपया भी एक वचन है, उसको भी अंडरलाइन कर दिया। सड़क, सड़क भी एक वचन है ना। चिट्ठियाँ, चिट्ठियाँ एक वचन है क्या, नहीं ना, तो चिट्ठियाँ हमने अंडरलाइन नहीं की हैं। भेड़ें बहुवचन है, उसको भी हमने अंडरलाइन नहीं किया। रातें, रातें भी बहुवचन है, उसको भी अंडरलाइन नहीं किया। माला, माला एक वचन है, उसको हमने अंडरलाइन कर दिया है। पत्ते, पत्ते बहुवचन में, हमने उसको अंडरलाइन नहीं किया है। वधु एक वचन है, उसको हमने किया है। बगीचा भी एक वचन है, उसको भी हमने अंडरलाइन कर दिया। और पुस्तकें, पुस्तकें बहुवचन है, हमने उसको नहीं किया। गायें बहुवचन है, उसको नहीं किया। घड़ियाँ बहुवचन है, उसको भी नहीं किया। बातें भी बहुवचन है, उसको भी नहीं किया। बिल्लियाँ बहुवचन है, उसको भी नहीं किया। पत्ता, पत्ता एक वचन में है ना, उसको हमने अंडरलाइन किया है। कथा, कथा एक वचन में है, उसको भी हमने अंडरलाइन किया। कहानी एक वचन में, उसको अंडरलाइन किया बेटा। वस्तु एक वचन है, उसको भी किया है। बेटे नहीं, बेटे बहुवचन है ना, उसको हमने नहीं किया। बेटे का एक वचन बेटा होता है। और तिनका, तिनका एक वचन में, उसको भी हमने अंडरलाइन किया है। अब जीवन मूल्य, इसके में हमने क्या सीखा, हमारे लिए क्या मॉरल है, क्या शिक्षा हमको मिलती है इस पाठ को पढ़ने के लिए, हमारी लाइफ वैल्यूज़ क्या हैं। छोटी छोटी अनेक मधुमक्खियाँ मिलकर एक दूसरे के सहयोग से मीठा शहद बनाती हैं। हमें भी एक दूसरे का सहयोग कर देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अनेकता में ही एकता होती है, है ना। आज की कक्षा बेटा हमारी यही समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है कि ये जो बुक एक्सरसाइज है, इसको आप अपनी बुक में करेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।